आगामी 1 जुलाई से भागलपुर में प्राथमिकी दर्ज करने की प्रक्रिया में बदलाव किया जा रहा है। इन बदलावों को लेकर शनिवार को भागलपुर समीक्षा भवन में डीएसपी 2 राकेश कुमार के नेतृत्व में जिले के सभी थाना प्रभारियों और इंस्पेक्टरों की एक बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में डीएसपी राकेश कुमार ने पुलिस अधिकारियों को नए धाराओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी और बताया कि किस तरह के मामले में कौन सी धाराएं लगाई जानी चाहिए। उन्होंने यह भी बताया कि इन बदलावों का उद्देश्य प्राथमिकी दर्ज करने की प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और कुशल बनाना है। बता दें कि यह प्रशिक्षण 3 दिनों तक चलेगा। इस दौरान पुलिस अधिकारियों को नए कानूनों और प्रक्रियाओं के बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी। शनिवार को पूर्वी बिहार के सबसे बड़े अस्पताल जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा अस्पताल सह महाविद्यालय का भागलपुर डीएम डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अस्पताल की सभी व्यवस्थाओं को बारीकी से देखा और अस्पताल अधीक्षक को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने पाया कि अस्पताल में मरीजों की भारी भीड़ है। उन्होंने बताया कि इसका कारण यह है कि मरीजों के साथ एक से अधिक सहायक आते हैं, जबकि केवल एक व्यक्ति को ही अस्पताल में आने की अनुमति है। उन्होंने अस्पताल अधीक्षक को निर्देश दिया कि अस्पताल में इस व्यवस्था का कड़ाई से पालन किया जाए। इसके अलावा डीएम ने सड़क दुर्घटना में पीड़ितों के लिए विशेष व्यवस्था करने पर भी जोर दिया है। उन्होंने कहा कि ऐसे मरीजों को प्राथमिकता के आधार पर इलाज मिलना चाहिए। दूसरा कि नीतू में भी कई बार जो बेड है ऐसे खाली पड़े हैं, उसको स्टार्ट करने की जरूरत है। इसके अलावा छोटी मोटी जो कमी के कारण से हमारी कई चीजें स्टार्ट नहीं हो पाई थी, छोटी मोटी कमी के कारण से हमारा उसी कुछ उसमें फंक्शनल नहीं है, तो इन सभी चीजों को अभी हम लोग बैठक भी कर रहे हैं और 30 तक हम सभी चीजों का बूस्ट करेंगे ताकि यहाँ के आम जनों को पार्टी करेगा। मैं आपके माध्यम से यहाँ की पूरी तमाम जनता से अनुरोध करता हूँ कि जब कभी भी अटेंडेंट आते हैं तो मात्र एक की संख्या में ही वार्ड में अलाउड है, क्योंकि जितने अधिक अटेंडेंट आएंगे वो उतनी प्रकार की बीमारियों को लेकर के आएंगे और मरीज को फैलाएंगे। इसलिए मेडिकल सिस्टम में मिनिमल एक्सेस दिया जाता है कि बाहर सिर्फ मरीज के साथ या तो एक अटेंडेंट हम लोग अलाउ करते हैं अथवा वो भी अटेंडेंट अलाउ नहीं करते हैं जो सीरियस मरीज है। तो जैसे कि आईसीयू में भी हम अटेंडेंट बिल्कुल अलाउ नहीं करते हैं ताकि वो जो अटेंडेंट आएंगे उनके माध्यम से अन्य मरीजों को जो यहाँ भर्ती है उनको बीमारी नहीं फैल सके। हमने सुपरिटेंडेंट साहब से कहा है कि आप सिंगल कार्ड जो है आप इशू कीजिए पर बेड के लिए, और यदि कोई व्यक्ति इसमें प्रतिरोध करता है तो आप उनसे बोलिए कि भाई आपको डिस्चार्ज करा के ले जाना है तो आप अपने मरीजों कहीं डिस्चार्ज करा के ले जा सकते हैं, लेकिन अस्पताल की व्यवस्था में जो निर्णय लिया गया उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। और खास करके जो एक्सीडेंटल केसेस होते हैं उसमें हमने कहा है कि यदि रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट है उसमें आप दो पास भी एक पेशेंट के साथ दे सकते हैं तो दे दीजिए, लेकिन सिर्फ एक्सीडेंटल केसेस को छोड़ दिया जाए तो अन्य जगहों पे एक पास ही एक मरीज के साथ हम लोग देंगे ताकि एक अटेंडेंट एक टाइम में रह सके और लोगों को सुरक्षा बीमारियों से सुरक्षा दें। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा आईएफएस का परिणाम घोषित कर दिया गया है। वहीं भागलपुर के कटहलवाड़ी निवासी राहुल कुमार ने यूपीएससी परीक्षा में बाजी मार ली है। राहुल को 142वां स्थान प्राप्त हुआ है। बता दें कि यूपीएससी परीक्षा में कुल 40 अलग अलग पदों के लिए परीक्षा हुई थी, जहां राहुल ने 142वां स्थान इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर ली। राहुल को यह सफलता छठे प्रयास में हासिल हुई है। कड़ी मेहनत के बावजूद हर बार असफलता हाथ लगती थी, लेकिन जुनून अफसर बनकर माँ बाप के सपने को पूरा करने की थी और कड़ी मेहनत के बूते लाख कठिनाइयों से लड़कर भारतीय वन सेवा परीक्षा का नतीजा घोषित हुआ तो राहुल ने भी उस स्थान पर खुद को पाया। राहुल की मां ललिता देवी एक आंगनवाड़ी सेविका है और दोनों पति पत्नी की कमाई से उन्होंने राहुल को आईआईटी रुड़की में पढ़ाया, जहां उसने सॉफ्टवेयर की पढ़ाई की और कहीं न कहीं मां को आंगनवाड़ी सेविका होने के दरमियान सरकारी अफसर देखती थी। मां की इच्छा थी कि उनका बेटा भी बड़ा अफसर बने, जिस कारण राहुल ने यूपीएससी करने की ठानी।
राहुल की मां ने बताया कि वह बचपन में बहुत शरारती था। राहुल अपनी सफलता पर काफी खुश हैं। उनका कहना है कि छठे प्रयास में वह सफल हुए और सिविल सर्विसेज की इंटरव्यू 3 बार दी, लेकिन इंटरव्यू में चूक रह जाती थी, कंडीशन ठीक नहीं था। राहुल की मां ललिता देवी अपने बेटे को मेहनती मानती है। उन्होंने जब मीडिया से बात की तो उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे, लेकिन खुद को गौरवान्वित भी महसूस कर रही थी। बहुत अच्छा लग रहा, बहुत खुश हैं। हमारा परिवार का बहुत बड़ा उठी कर दिया, खुशहाल कर दिया है, बहुत नाम कर दिया। पोता हमारा बेटा से बड़का बेटा हो गया, हमारा बेटा से भी बड़का बेटा हो गया। हाँ, बहुत उम्मीद किए थे, बहुत पोता हमेशा आशीर्वाद देते थे, पूछ लो बेटा भगवान से क्या मांगते भाई, प्रार्थना मांगते थे। हमारा बेटा बहुत बड़ा अफसर बने, पोता हमारा भगवान सबसे प्रार्थना। भगवान सुन लिया आपकी बात, सुन लिया माँ शरदा, सुन लिया माँ शरदा। क्या कहेंगे, बहुत गर्व हो रहा है, हमारा बेटा इस लायक बन गया है, बहुत खुशी है, बहुत हर्ष है, क्योंकि बहुत दिनों के बाद सफलता मिली। 4 बार मैंने इंटरव्यू में नहीं हुआ, रिटेन और सब में पास कर गया था, लेकिन इंटरव्यू में ही छटा जाते थे, तो हम लोग को बहुत दुख होता था। आखिरकार सफलता तो हाँ, और बहुत खुशी है अभी, उम्मीद था कि हाँ, और हम लोग पीछे नहीं हटे और न कभी उस टॉर्चर किए कि तू छोड़ दो चले, और न संघर्ष करते रहो बेटा, हिम्मत देते रहे, कभी मैंने कभी नहीं किए कि नहीं होगा चला ला। स्टार्ट 2018 से किए थे करना, और अभी तक कंटिन्यू कर रहे थे इस चीज में, लगातार प्रयास में थे। क्या माहौल है घर का अभी? सब लोग खुश हैं, थोड़ा सेटिस्फाइड हैं कि फाइनली कुछ हुआ है। आपकी माँ आंगनवाड़ी सेविका है जी, कैसे माँ पिता ने आपको पढ़ाया, कितना संघर्ष भरा जीवन रहा था? शुरू में संघर्ष तो था जैसा भी था, बट ठीक है, आगे जा करके जब एक बार IIT में चयन हो गया, फिर कैंपस प्लेसमेंट हुआ था, जॉब करने गए थे सॉफ्टवेयर डेवलपर का, तो कॉन्फिडेंस ऑलरेडी बूस्टेड था कि यहाँ से तो आगे ही बढ़ना है, तो सपोर्ट घर वालों ने भी उसी तरीके से किया, हर लेवल पे जिस लेवल पे भी हो सका। कितना प्यार है प्रकृति से आपको, ये बताइए। बहुत ज्यादा, और मतलब जिस तरीके का भी जैसा माहौल है कि वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है कि क्लाइमेट चेंज का इशू चल रहा है, और पर्यावरण एक बहुत जरूरी चीज है अभी के दुनिया में, तो उस चीज में काम करना, उस चीज में इन्वॉल्व भी होना एक बहुत मेरे लिए बहुत गर्व वाला बात है। 5 बार असफलता मिली है आपको, 3 बार इंटरव्यू से भी लौटे हैं, वो सफर कैसा रहा, कभी ऐसा नहीं लगा कि अब छोड़ दें? मतलब इस चीज में ऐसा था कि हर बार ये लग रहा था कि काफी क्लोज आ गए हैं, और क्लोज आने के बाद एक वो पूछ रहता था कि चलो इस बार नहीं, कोई बात नहीं, अगले बार कर लेंगे, और घर वालों का भी सपोर्ट रहता था, वो लोग खुद चाहते थे कि तुम यहाँ तक पहुँचे हो तो काफी अच्छी बात है, ट्राई करते रहो, तो वो एक पुश फैक्टर चारों तरफ से मिलता था, और पढ़ाई वगैरह में करने का आदत था, तो बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं हुई इस चीज में। हर सफलता के पीछे किसी ना किसी का हाथ जरूर होता है, आपके पीछे किसका हाथ माना? मेरे घर वालों का और मेरे दोस्तों का। बिनाघाट की बंदोबस्ती के सनहला की गेरवा नदी से बालू का उठाव हो रहा है। मामले की जानकारी पर शुक्रवार दोपहर CO रजनीश चंद्र राय ने पुठिया घाट का निरीक्षण किया। इस दौरान नदी किनारे बालू लोड कर रहे ट्रैक्टर लेकर चालक मजदूर और मुंशी भाग खड़े हुए। भागने के दौरान कुछ मजदूरों को चिल्लाकर CO ने चेतावनी भी दी। CO ने बताया कि बालू का खनन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पिछले कुछ दिनों से खनन विभाग की मिलीभगत से अवैध रूप से बालू माफिया बालू का खनन कर रहे हैं। इससे नदी किनारे रह रहे गोविंदपुर, करहरिया, मैयामा, विश्वासपुर, बैसा, पोठिया के लोग रात दिन ट्रैक्टरों से दुर्घटना की आशंका से डरे हुए हैं। खुले डाले में अवैध बालू लोड कर चालक तेज गति से ग्रामीण सड़कों पर ट्रैक्टर से बालू ढुलाई करते हैं। CO ने बताया कि पोठिया बालू घाट की बंदोबस्ती नहीं हुई है, तत्काल पुलिस को घाट की निगरानी करने का निर्देश दिया गया है।